नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुल दाओ सनम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। हमें ईमेल के माध्यम से लोग ये पूछते हैं कि क्या क्ली मंत्र जाप करने से आकर्षण शक्ति बढ़ता है, और बढ़ता भी है तो क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्ली मंत्र से आकर्षण शक्ति बढ़ता है, पर आप आकर्षण का मतलब क्या समझ रहे हैं? क्या कोई ऐसे मंत्र जाप कर देने से आप एकदम आकर्षित बन जाएंगे, या फिर आप जो है कुछ पॉजिटिव पूरा आपको कोई भी देखेगा तो आकर्षित हो जाएगा? बहुत सारे लोग कुछ गलत चिंता करके इस मंत्र को जप करते हैं। उनकी जो चिंताएं होती है, उनकी जो मन में प्रश्न होता है कि क्ली मंत्र से ऐसा होगा, ये बिल्कुल भी गलत रहता है। मैंने क्ली मंत्र के बारे में शायद 1-1.5 साल पहले ही एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार से क्ली मंत्र को सावधानीपूर्वक जाप करना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं होता इसमें, परंतु कुछ विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्ली मंत्र से आकर्षण प्राप्त होता है कि नहीं। आकर्षण होता है पॉजिटिविटी को आकर्षित करना, नेगेटिविटी को आकर्षित नहीं करना। पॉजिटिविटी मतलब आपकी मन शांत रहे, आपकी दिमाग में जो सब गलत विचार है उसको बाहर निकाल के अच्छे विचार को भरना है, कार्य करते रहना है। कोई पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई करेगा, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में कैसे प्रमोशन मिले इस प्रकार से अच्छे कार्य करेगा, और आगे चल के कुछ अच्छी जो हो उसकी भविष्य का निर्माण कर पाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्ली मंत्र जप करके हम कुछ भी आकर्षित कर लेंगे जो प्रभु की इच्छा नहीं है, या फिर जो नियति के विरुद्ध है, या फिर जो गलत चीज़ है उसको भी आकर्षित कर देंगे। लेकिन चाहे आप हो, चाहे वो हम हैं, चाहे कोई दुनिया में कोई भी हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप जो है ये सोचते हैं कि प्रभु से बड़े बनकर आप कुछ ऐसी चीज़ को आकर्षित कर देंगे जो आपके लिए नहीं है, वो आपकी सर्वनाश के कारण बन सकता है। लोगों के मन में निरंतर सवाल यही रहता है कि हमने क्ली मंत्र का जाप किया, हमारे साथ कुछ गलत हो गया। देखिए, क्ली मंत्र उसी परिस्थिति में जाप करें जब आपका मन पूर्णतः शांत हो। शांत रहना आवश्यकता है। पूर्णतः कैसे शांत रह के क्ली मंत्र को जाप करेंगे, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, फिर भी मैं एक आपको बता देता हूँ कि जिस परिस्थिति में आप जप करते हैं, जहाँ पे जप करते हैं, वहाँ का वातावरण जो है थोड़ा शुद्ध पॉजिटिविटी होना चाहिए, जैसे कि मन शांत रहे, एकाग्रचित होके आप मान लीजिए कि आप जो है आपकी मन की गलत विचार को दूर करके अच्छे विचार को अंदर प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो उसी के बारे में मन ही मन आप ये सोच सकते हैं कि सारी जो पॉजिटिविटी है वो मन में आ रही है और मेरी मन शांत है। इसके लिए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि ये जो क्लिम कृष्णाय मंत्र से पूर्व ये जो बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसको अगर आप डेली 10 बार भी अगर शांत मन से जप करेंगे बैठ के, ये काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि बीज मंत्र है ना, इतनी छोटी सी तो दिख रहा है ये मंत्र, शब्द तो इतना ही कम है, तो इसको मैं बड़ा संख्या में जाप कर लेता हूँ। ये सरासर गलत है। इस मंत्र को आप गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु जैसे बताएंगे उस पे कर सकते हैं। ध्यान मंत्र के हिसाब से इस मंत्र को भी ले सकते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा जो है पॉजिटिविटी रहना चाहिए। मन में हजारों नकारात्मक विचार लेके, जो 1 मिनट में 100 बातें मन में आते हैं, उस प्रकार के विचार लेके इस मंत्र को जाप करना बहुत ही गलत होता है, सही नहीं होता है। तो अगर आपका ये सवाल है कि क्या क्ली मंत्र करने से व्यक्ति आकर्षित बन जाता है, आकर्षण शक्ति बढ़ता है, ये क्या है सत्यता, इस विषय के बारे में मैंने कहा कि सत्यता जो है ये है कि पॉजिटिविटी को आकर्षित करना, आपके जीवन में कुछ अच्छा करना पॉजिटिव, वो भी जो जायज कार्य है, जो गलत कार्य है उसको कभी आप आकर्षित नहीं कर सकते। अगर बाय चांस कभी सफल भी हो जाते हैं तो विफल होना और कई गुना उसे खतरनाक सिचुएशन होना आपका सुनिश्चित है। तो इसीलिए क्ली मंत्र जाप करने से पूर्व 15-20 दिन 1 महीने तक मेडिटेशन करें, ध्यान में थोड़ा आप बैठकर कोई मंत्र जप करें। जब मन शांत रहे
तो क्लीम मंत्र का जाप करने का प्रयास करिए, देखिएगा आपको कुछ अनुभूति हो सकते हैं, कुछ अच्छे अनुभूति हो सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, इस चैनल की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय माता दी।